बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो अमल है ये अपने आप को दुश्मन के शर से महफूज रखने के लिए और दुश्मन को अल्लाह सुबहानो ताला के हवाले करने के लिए, यानी कि मैं अपने दुश्मन को अपने मामले को पहले अल्लाह के सुपुर्द करके ये कहूँगा कि या अल्लाह मैं इस लायक नहीं हूँ, ये मेरा दुश्मन है और मुझ में इतनी सख्त नहीं है कि मैं इसके साथ टकरा सकूं, मैं कमज़ोर हूं, अल्लाह सुबहानो ताला सबसे ज़्यादा ताकत वाला है, उससे ज़्यादा ताकत वाला कोई भी नहीं है। तो ये जो चीज़ है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ू इंतकाम, बस इसको है, इसका मैं यहाँ पे एक मुसलस का नक्श बना के दिखाऊँगा। तो इसको पढ़ा भी जाए, इसका विरद भी किया जाए हर नमाज के बाद, चाहे 100 मरतबा पढ़ लें इसको। और ये जो नक्श है इसको तैयार करके नीचे अपने एक दुश्मन है, 5 दुश्मन है उसका और उसकी वालदा का नाम लिख के और कुछ एक दो दुआया कलमात लिख के कि अल्लाह सुबहानो ताला हमें इसके शर से बचाए। तो इस तरीके से इस नीयत से इसको लिख के तैयार करके तो अपने पास इसको रखा जाए, अपने गले में पहन लिया जाए। अगर कोई खातून है वो उल्टे बाजू के साथ बांध लें, अगर कोई मर्द है वो सीधे बाजू के साथ बांध ले। तो ये इस तरीके से बनेगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऐसे इसको लिख के और इसके नीचे ऐसे करके तो यहाँ पे मकसद लिखा जाए, यानी कि एक तो उनके नाम लिखे जाएं जो दुश्मन हैं मुखालफ हैं, वो लिखने के बाद अपना मकसद सा मकसद भी लिखा जाए जिस मकसद के लिए इस अमल को कर रहे हैं। और साथ ये जो चीज़ है पढ़ने वाली, ये कुरान पाक की ये छोटी सी आयत है, तो इसका जो है विर्द वो भी चलता जाएगा साथ ही। तो इसको पढ़ते 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 हर नमाज के बाद इसका वतीरा बना लें। और ये वजीफ़ा भी है और ये करने वाला समझें एक नक्श भी बन गया मुसलस। तो इसको इस नियत की गरज से अपने पास जो है महफूज करके रखा जाए, तो इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो दुश्मन की जो ताकतें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, वो इस लायक ही नहीं रहता कि वो फिर वो कोई इंतकाम ले सके या कोई नुकसान पहुँचा सके। ये इस नियत का ये अमल है, इसको करके देखें तो इंशाल्लाह ताला बड़ा फ़ायदा होगा।